हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज किचन एंड होम क्रिएटिविटी। आज हम बनाएंगे दही बल्ले की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए उड़द की धुली हुई दाल, जिसको हमने रात भर भिगो दिया था। उसके बाद इसमें हमने हींग और नमक डाल के मिक्सी में अच्छे से फेंट लिया है, मीन्स पीस लिया है। और इसके बाद हम एक बाउल में इसको इकट्ठा करके सारी दाल को एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। मिक्सी में पीसने के बाद ये काफ़ी फ्लफी हो जाती है। और इसको हाथ से अच्छे से बीट करने के लिए इसमें हम हींग और नमक डालेंगे और हाथों से फेटेंगे। आप हाथ से भी फेंट सकते हैं, चम्मच से भी फेंट सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उस तरह से फेंटें। अच्छे से इसको फेंटना है जब तक दाल हमारी फ्लफी ना हो जाए, लाइट हो जाएगी। अच्छे से फेंटना है इसको। और दाल को चेक करेंगे पानी में डाल के, एक छोटी सी गोली डाल के देखेंगे कि दाल हमारी कितनी फिट चुकी है। अगर पानी में तैरने लगती है तो ये फिट गई है। एक कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल लेंगे और उसमें अपने बड़े को डालेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें डीप फ्राई करना है। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। एक तरफ हम एक पानी लेंगे और उसमें नमक और हींग डाल के बॉईल कर लेंगे, जिसमें हम अपने बड़ों को बीच बीच में इसमें भिगो देंगे, जिससे ये हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह से सारे बड़ों को हम तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम पानी में इसको भिगो देंगे, जिससे ये हमारे और ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे, स्पॉन्जी हो जाएंगे। इसको आप इस तरह से भिगो के फ्रिज में भी रख सकते हैं, जिससे ये ठंडे हो जाएंगे। सारे बड़ों को तैयार कर लेंगे इसी तरह से। अब हम इसको सर्व करते हैं। मैंने पानी में से इसको एक एक बड़े को निकाल लिया है और दही को अच्छे से फेंट लिया है। सबसे पहले हम इसमें दही को डालेंगे। फिर मीठी गुड़ की इमली की चटनी बनाई है मैंने, सोट बोलते हैं इसको, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और रेड चटनी को भी डाल दिया है। और हरी चटनी को भी डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। जीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। ये बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब माई चैनल।